नमस्कार, मैं हूं मित्र गैजेट्स फॉर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं स्पीड टेस्ट और कैमरा कंपैरिजन सैमसंग के लेटेस्ट फोन गैलेक्सी ऑन 8 का रेडमी नोट 5 प्रो के साथ में, क्योंकि दोनों ही फोन आपको मिल जाते हैं ऑलमोस्ट सेम प्राइस में, तो स्पीड टेस्ट और कैमरा कंपैरिजन तो बनता ही है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस और कैमरा के बारे में और ज्यादा, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले बात करें दोनों ही फोन की प्राइसिंग की, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि Redmi Note 5 Pro आपको मिलता है लगभग 15,000 रुपए की प्राइस में, जो कि आता है 4GB रैम 64GB वेरिएंट। और अगर हम बात करते हैं ऑन 8 की, तो ये आपको मिलता है 16,990 रुपए की प्राइस में। तो कुल मिलाकर बात है सिर्फ 2,000 रुपए की। लेकिन अगर हम बात करते हैं हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो ऑब्वियसली आपको बेटर मिलने वाली है Redmi Note 5 Pro में, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 636 चिपसेट, जबकि ऑन 8 में यूज़ किया गया है स्नैपड्रैगन का 450 चिपसेट। लेकिन अगर हम बात करते हैं कैमरा कंपैरिजन की, तो यहाँ पे और भी ज़्यादा अच्छी टक्कर होने वाली है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कैमरास की, तो सैमसंग गैलेक्सी ऑन 8 में आपको मिलता है 16+5 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप, जो कि आता है f1.7 अपर्चर के साथ में। तो नो डाउट कैमरे में काफ़ी अच्छी टक्कर होगी। तो चलिए पहले चलते हैं स्पीड टेस्ट की तरफ और फिर हम देखेंगे इनका कैमरा कंपैरिजन। स्पीड टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं दोनों ही फोन का बूटिंग टाइम। तो बूटिंग टाइम में तो विनर हो गया है Redmi Note 5 Pro। चलिए अब चलते हैं स्पीड टेस्ट की तरफ और वहां देखते हैं कि हमें कितना डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये था स्पीड टेस्ट कंपैरिजन इन दोनों ही फोन्स के बीच में। आप देख सकते हैं फाइनल स्कोर, यहाँ पे हमें काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। ऑब्वियसली बेटर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलता है Redmi Note 5 Pro में, तो नो डाउट ये डिफरेंस तो मिलना ही था, क्योंकि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सैमसंग के रैम मैनेजमेंट की, तो वो काफी अच्छा था। आपने देखा कोई भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में स्टॉप नहीं हुई थी, जबकि Redmi Note 5 Pro में भी हमें लास्ट की दो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में से स्टॉप होती हुई दिखी। तो यहाँ पे सैमसंग की UI के साथ में स्नैपड्रैगन 450 भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है। चलिए अब चलते हैं कैमरा कंपैरिजन की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं कुछ सैंपल पिक्चर जो कि हमने लिए हैं इसके रियर और फ्रंट कैमरा से। सबसे पहले बात करते हैं रियर कैमरे की इमेजेस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रियर कैमरे की इमेजेस। यहाँ पे आपको सैमसंग के गैलेक्सी ऑन 8 में काफी ज्यादा नेचुरल कलर्स देखने को मिलेंगे, काफी शार्प कलर देखने को मिलेंगे, और एक्सपोजर भी बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा है। हालांकि Redmi Note 5 Pro की पिक्चर्स भी काफी अच्छी हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं बैटर की,
तो वहां पे हमारा ध्यान जाता है सिर्फ ऑनेट पे। और आप देख सकते हैं इन पिक्चर्स में आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं पोर्ट्रेट पिक्चर्स की, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऑनेट में आपको जो बैकग्राउंड है वो काफी अच्छे से ब्लर होता हुआ दिखाई देगा और एजेस जो हैं वो भी काफी प्रॉपर हैं। तो नो डाउट अगर हम बात करते हैं रियर कैमरे की इमेजेस की, चाहे वो नॉर्मल पिक्चर्स हो चाहे पोर्ट्रेट शॉट्स हो, आपको बेटर देखने को मिल रही हैं ऑनेट में। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर्स, तो यहाँ पे रिजल्ट बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं और यहाँ पे हमें Redmi Note 5 Pro की सेल्फी ज्यादा बेटर देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं रियर कैमरे का, आपको बेटर रियर कैमरा चाहिए, तो नो डाउट आपको जाना चाहिए Galaxy ऑनेट की तरफ। लेकिन आपको वहां पे परफॉर्मेंस में थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि स्नैपड्रैगन 450 चिपसेट आपको मिलता है जो कि 10-12-13 हज़ार रुपए की प्राइस मिल जाता है, तो वहां पे ये थोड़ा सा फोन एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन नो डाउट कैमरा क्वालिटी अच्छा मिलेगा और परफॉर्मेंस अगर आप बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं फोन को, मीन्स आप बहुत ज्यादा हैवी यूजर नहीं है या फिर बहुत ज्यादा गेम्स नहीं खेलते हैं, तो इसमें भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। और अगर आपको बेटर परफॉर्मेंस चाहिए और डिसेंट कैमरा चाहिए, तो नो डाउट फिर आपके लिए Redmi Note 5 Pro है ही। तो यही था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास है और कोई सवाल ऐसा हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहे।